कैसे सोच लिया कि तुम मेरे रघु से शादी करोगी? आज के बाद रघु से मिलने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा होगा। रघु मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। देख नहीं है, उसकी शादी हो रही है। कि जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती उनकी आत्मा भटकती रहती है। मैंने अपना शरीर तो त्याग दिया लेकिन मेरी आत्मा अभी तक रघु को ढूंढ रही है। और शायद इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको, और इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया। ऋतु, जानती हो जो लोग अपना प्यार पा सकते हैं वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं, लेकिन जो लोग अपना प्यार नहीं पाते वो बहुत ही बदकिस्मत होते हैं। मैं बहुत ही बदकिस्मत लड़की हूँ, मैं रघु को नहीं पा सकी इसलिए मैंने मौत को अपना लिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और रघुवरण भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ऋतु, मैं यहाँ एक मकसद लेकर आई हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया। जिस दिन मैं अपने मंजिल के करीब पहुंच जाऊंगी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन वो दिन आएगा कब? उस दिन का तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार रघु मुझे बस। सब? आपको कोई मिलना है? कौन है? इसको कौन है? मैं। मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? एक आखिरी वार्निंग देने आया हूं आप लोगों को। आंचल पर हमला करना छोड़ दो। अब तक उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं कानून का रखवाला, खुद कानून को अपने हाथों में ले लूंगा। मैं ये बात याद रखिए कि मैं वकील हूं, अपने आप को बचाने के बहुत से रास्ते जानता हूं मैं। और एक बात और, अगली बार जब आपकी बेटी आपसे मिलने आए तो उसे जरा समझाना कि आंचल या मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बूढ़े बाप को जाके ना धमकाए। उसे अगर कुछ कहना है तो आकर मुझसे कहे। डरते हो कि वो गुस्से में आकर तेरे बूढ़े बाप को कुछ करना बैठे? नहीं, मैं डरता हूं कि कहीं गुस्से में आकर मैं उसके बाप को कुछ करना पाऊं। बच्चे, एक बार मुझे यहां से बाहर तो निकलने दे। तेरा वो हाल करूंगा कि दूसरे लोग तुझे देखकर अमन सिंगल के साथ जिंदगी भर पंगा नहीं लेंगे, सो बात सोचेंगे। मिस्टर सिंगल, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो सारे जिंदगी आप यहीं रहेंगे। आप तो इनका भला चाहते हैं ना, जरा समझाइए इन्हें। खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये। मेरी तरफ से ये आखिरी वार्निंग थी। जी करता है कि इससे यहीं पर मसल डालूं। कल का साला लौंडा, कल का बच्चा अमन सिंगल के साथ पंगा लेगा। सर, और कुछ काम? जाऊं सर? गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो। हेलो गौरव, बोलो। आप अभी तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं? ऑफिस में आदमी क्या करता है, काफी काम पेंडिंग है, देर होगी। सुनिए, हमारे बीच में जो है
वो जमाने के सामने लाकर क्या फायदा? कम से कम माजी का तो ख्याल रखिए, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाकर क्या फायदा? मेरे जज्बात को जब ठेस पहुंची थी तब मेरा ख्याल किसने किया था? और वैसे भी माँ को आज नहीं तो कल इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। तो मैंने कब कहा कि ये सच छुप जाएगा? सच तो वही है जो छुपता नहीं है। माँ जी को फिलहाल इतनी जल्दी इतना बड़ा सदमा ना पहुंचे, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज घर जल्दी आ जाइए। कोशिश करूंगा, कह नहीं सकता कितनी देर लगेगी। तुम कब आई? उस वक्त जब तुम वैद्य से कह रहे थे कि आज नहीं तो कल माँ जी को सच्चाई का पता चलेगा। ओह, तो तुमने सब सुन लिया। वैसे क्या गलत कह रहा था, सच ही तो कह रहा था। एक और सच्चाई है और वो ये है कि तुम और वैद्य ही अब पति पत्नी हो, और इसके सामने और कोई भी सच्चाई मायने नहीं रखती। तुम्हारे लिए ऐसा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मेघा, हर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद तय करता है, अपने जिंदगी के ख्वाब तय करता है और उन्हें पाने की पूरी कोशिश करता है। मैं भी इंसान हूं मेघा, और मैंने भी ऐसे ही किया। अब तुमसे कोई राज पोशीदा तो है नहीं, अब तक तो तुम समझ ही चुकी होगी कि मेरी मंजिल क्या थी और उसके लिए मैंने कैसे कैसे सपने बुने थे। देखो गौरव, तुम्हारा कोई भी ख्वाब या कोई भी मंजिल बिखरी नहीं है। पहले बहुत अच्छी लड़की है, उसे तुम्हें हमेशा सच बताना चाहा था। उसे तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन माँ ने वो चिट्ठी बदल दी। देखा, अब माँ जी या किसी और को दोष देने का कोई फायदा नहीं। वैदेही वो है ही नहीं जिसे मैंने चाहा था। प्लीज, वैदेही बहुत अच्छी लड़की है। देखा, तुम बार बार एक ही बात रिपीट किए जा रही हो। मैंने कब कहा कि वैदेही बुरी है? देखा, तुम अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचो। मैं समझती हूँ तुम्हारे दुख को, मैं समझती हूँ, लेकिन वैद्य ही बेकसूर है। इसकी सजा तुम प्लीज उसे मत दो। सजा तो तुम मुझे दे रही हो मेघा। सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की। मेघा, एक बात बताओ और सच बताना, क्या कभी तुम्हारे मन में मेरे लिए? गौरव, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। मेघा, मैं कोई मंदिर में बैठा देवता नहीं जिसकी इज्जत की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिस पर फूल बरसाए जाए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे मन में भी वही भावनाएं हैं जो जज्बात मेरे मन में है तुम्हारे लिए। गौरव, तुम प्लीज वैद्य को अपना लो, प्लीज। ये मेरे लिए तुम्हारा एहसान होगा। आज आप बहुत जल्दी तैयार हो गए। हाँ, ये पेपर वर्क पेंडिंग था और अवस्थी जी को आज ही देना है, इसलिए। राहुल, सुबह से मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कल रात आप घर बहुत देर से लौटे, ऑफिस में ही थे या? नहीं, कल कोई और काम था। आंचल, कल मैं अमन सिंघल और सेना सेठ से मिला। घबराओ मत, मैंने कानून को अपने हाथों में नहीं लिया, सिर्फ बात की उनसे। उनको यह समझाना बहुत जरूरी था कि ये सब जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूर रहे, क्योंकि हम लोग वकील हैं,
हम भी जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। और एक और चीज समझाई मैंने सिंगल को कि अपनी बेटी को काबू पर रखिए। हम दोनों की गैर मौजूदगी में उसका यहाँ आना बिल्कुल गलत है। वो भी डैड को दरार धमकाया पता नहीं क्या किया। माला मुझसे क्यों मिलने आई थी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। क्या हुआ, आपको मेरी ये बात पसंद नहीं आई? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। एक्चुअली अमन सिंह से मिलके मैं ये सोचने लगा हूँ कि केस के दौरान जो सबूत यहाँ से गायब हुआ था, आज तक हम ये नहीं जानते कि वो किसने गायब किया। लेकिन जो भी हो, जो इंसान हमारे घर के अंदर आके ऐसी हरकत कर सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कई दिनों से ये बात मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन आखिर ये है कौन? ओके, ऑलराइट, ओके, या मे आई कम इन मैम? आई कॉल यू बैक। या जी, इन पर साइन चाहिए थी। ये मैम का क्या चक्कर है? अरे जब मैं नॉक कर रहा था तो मिस्टर गुप्ता पास से गुजर रहे थे। अब सब लोग अंदर आते हुए नॉक करते हैं, मैं नहीं करता तो और लगता। और वैसे भी ऑफिस में प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पर तुम बॉस हो और मैं एम्प्लॉय। और उसके बाद? उसके बाद ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे। अच्छा, ओके, दैट्स ओके। लगता है मुझे फिर से सपना से एक बार मिलना ही पड़ेगा। और इस बार मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं शॉपिंग के लिए आई थी। अच्छा, उस दिन घर आके सपना से मिलने की क्या सूझी थी तुम्हें? मैंने कहा ना तुमसे मिलने का दिल चाहा तो आ गई। पर सपना के सामने इतनी लापरवाही से मत पेश आना, कहीं उसे जरा सी भी भनक लग गई ना तो हम दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। हेलो हेलो, सपना का फोन है। क्या तुम तो इस तरह घबरा रहे हो जैसे वो तुम्हारे सामने खड़ी हो? हाँ सपना। हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम क्या कर रही हो, मतलब कितने बिजी हो? क्यों? तुम्हें वो फ्लावर की एग्जीबिशन देखनी थी ना, वो एक आर्ट गैलरी है सजावट, उसमें लगी है, चल सकती हो? तुम्हें फ्लावर एग्जीबिशन में जाना है? सपना के साथ मरोड़ोगी मुझे, बात कर लो। काश ऐसा हो सकता सपना। वो क्या है ना कि आज बहुत सारी मीटिंग्स में जाना है मुझे, और अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं शायद अपनी मीटिंग्स मैनिपुलेट कर लेती। कोई बात नहीं, एग्जीबिशंस तो क्या लगती रहती है, काम ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक और बात करनी थी। क्या? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है ना, और तुमने उसका भ्रम भी दूर किया है, मुझे उससे कब मिलाओगे अभी? वो क्या है ना सपना कि फिलहाल तो वो बाहर गए हुए हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं उनसे मिलवा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा और वक्त बर्बाद नहीं करूंगी, तुम अपना काम करो। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, होना क्या है? वो तुमसे मिलना चाहती है। हैं? मुझसे? मतलब? मतलब वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। क्या देख रहे हो? मैं सिर्फ देख ही नहीं रहा था, मैं सोच भी रहा था। क्या? देखो किट्टू, जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है ना, तब अगर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे तो मतलब लड़की पैदा होगी, और अगर ठीक ठीक लगे तो मतलब लड़का पैदा होगा। अच्छा, तो मैं कैसी लगती हूँ, खूबसूरत या ठीक ठीक? वही तो देखने की कोशिश कर रहा था। लड़का हो या लड़की, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसे कभी कोई तकलीफ ना हो, जीवन में आने के बाद उसे ये महसूस ना हो कि वो पैदा ही क्यों हुआ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो?
क्योंकि मेरे मन का डर आज भी दूर नहीं हुआ सिद्धार्थ। देखो किट्टू, तुम खामखा फिक्र कर रही हो, मैं तुम्हें यकीन के साथ कहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बातें हो रही है? आइए आइए बैठिए। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि मौका मिलते ही मैं तुम्हें मिलने आऊंगी, तो बस मैं आ गई। वैसे तुमने फोन क्यों किया था? आंचल जी, दरअसल आपने हमारी इतनी मदद की, हमें मिलवाया, हम आज साथ हैं ना, तो बस आपकी वजह से। इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना आपको एक छोटी सी ट्रीट एक अच्छे से होटल में दे दी जाए। अच्छा, बहुत चालाक हो तुम। मतलब बच्चा होने के बाद तुम लोग दावत से बचना चाहते हो, इसलिए अभी दावत दे रहे हो, क्यों? नहीं आंचल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारा होने वाला बच्चा खुश रहे, बस। आंचल जी, यही डर मुझे बार बार सताता रहता है। मुझे और मेरे बच्चे को अगर स्वीकार नहीं किया तो, क्योंकि उधर पापा जेल से निकलेंगे और उधर डिलीवरी की डेट है। किट्टू, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार बच्चा हो जाएगा तो मिस्टर सिंघल भी अपना गुस्सा भूल जाएंगे, अक्सर ऐसा ही होता है और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। मैं किट्टू को यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पापा कुछ भी नहीं करेंगे। इस गलतफहमी में मत रहना कि पापा कुछ नहीं करेंगे, और फिर मैं भी तो उनके साथ हूँ। अब वही होगा जो हम चाहें। एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम्हें देखकर मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि ये कहावत बिल्कुल सच है। तुम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ वहां लोगों को धमकाती रहती हो। यहाँ सिद्धार्थ और किट्टू को धमका रही हो, वहां घर पर बाबूजी को धमकी दे आई। किसके बलबूते पर? अपने बाप के बल पर जो अभी तक जेल में है। केस जीतने के बाद बहुत घमंड आ गया तुम्हें। छोटी मोटी लड़ाइयां हारने से कोई जंग नहीं हार जाता, और फिर ये जंग तो अभी शुरू हुई है। तुम्हारी वजह से मेरे पापा को जेल जाना पड़ा, ये बात वो कभी नहीं भूलेंगे। जिस शख्स ने एक मजबूर लाचार लड़की को बर्बाद करने की कोशिश की, एक बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डालने की कोशिश की, तुम ऐसे शख्स का साथ दे रही हो, वो भी एक औरत होकर। एक औरत के जज्बात बहुत अच्छी तरह से समझती हो तुम, ये शादी से पहले ही समझती थी या शादी के बाद समझने लगी हो? माना, तुम्हारा इशारा किस तरफ है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम राहुल से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अगर हम दोनों ने शादी की है तो उसकी कोई वजह होगी। ना तो तुमने कभी वजह जानने की कोशिश की, और ना ही कभी ये समझने की कोशिश की कि आखिर हम दोनों ने शादी क्यों की। राहुल को तुमने इस केस में मेरे सामने खड़ा कर दिया, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हारी चाल आखिर कामयाब क्यों नहीं हुई। वो तो हमारी ही बेवकूफी थी, वरना आज कहानी कुछ और होती। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम चैन से नहीं जी पाओगे। माला, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना तुम, हमें भी जवाब देना आता है, हम भी चाल चल सकते हैं। अगर आज के बाद तुमने घर के किसी भी सदस्य को धमकी देने की कोशिश की तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.